बैक टू सिमरन अभी व्लॉग। हाँ, हम पहाड़ी बीच ये सब घूम घूम के थक चुके थे और थोड़ा कैसे बहुत टाइम से मैं मंदिर भी नहीं गई थी, तो मैंने इनसे कहा कि मुझे मंदिर लेके चलो। तो हमने एक मंदिर कौन सा ओम कामेश्वर मंदिर एक हमने सर्च किया, वो काफ़ी अच्छा था और थोड़ा हमारे घर से नज़दीक भी था। तो आज थोड़ा मेरा पूजा करने का भी दिल कर रहा था तो इनसे बोला तो ये लेके आए। तो हाँ, अभी तो फ़िलहाल हमें पार्किंग नहीं मिल रही थी लेकिन हमने गाड़ी पार्क कर दिया है। हम लोग मंदिर में इतने सारे गेट हैं, बहुत सारे गेट हैं और हम एंट्रेंस ढूंढ रहे थे लेकिन एंट्रेंस हमें मिल नहीं रहा था। सब बोल रहे थे इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, तीन चार गेट थे वो भी बंद थे। फिर पूछते पूछते हमें एक इधर से रास्ता मिला जो वो लोग कह रहे हैं कि यही मेन गेट है ना, यही वाली गेट है। तो अभी बड़े बड़े सारे गेट बंद पड़े हैं। आपके साथ थोड़ा पूजा करेंगे और मैंने आज चूंकि साड़ी पहन ली है मंदिर आना था तो चलते हैं अभी मंदिर के अंदर पूजा करते हैं। इधर ही खोलना पड़ेगा ना चप्पल कहीं पे, चलो वहाँ पे सब खुले हुए ना उधर खोल देते। पापू कौन है? काफ़ी खाली था, लोग आए हैं लेकिन इक्का दुक्का लोग दिख रहे हैं। कुछ लोग मंदिर के आंगन में दिख रहे हैं योगा करते हुए, कुछ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है, बड़ा मंदिर है। अभी अभी जस्ट मैंने पूजा कंप्लीट किया है, कुछ लोग योगा भी कर रहे हैं मेडिटेशन कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे काफ़ी शांति है तो वो मेडिटेशन टाइप से यहाँ टाइम स्पेंड किया है। और बीच में एक ओपन एरिया है, मैं आपको चल के वहाँ दिखाती हूँ। ले लिए थाली एक, बाहर जो एरिया है मैं वो आपको दिखाती हूँ। वहाँ भी काफ़ी अच्छा टाइम, ये सारे लोग टाइम स्पेंड करने ही तो आए हैं। कुछ लोग ये देखो इतने सारे लोग, यहाँ योगा भी चल रहा है और ये इतने सारे लोग टाइम स्पेंड करने आए हैं। ये इसमें जाने का है, इसमें thank you।
बाहर आ गए हैं और रोड पे अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे। एक्चुअली मंदिर के अंदर हम कुछ भी बोल इसलिए नहीं पाए, हम दोनों ही नहीं बोल पाए क्योंकि जो मेन हाँ काफ़ी वहाँ मतलब मेडिटेशन लोग कर रहे थे और उस मंदिर में मुझे लग रहा था कि शोरगुल अलाउड नहीं था। वहाँ जो भी था वो मेडिटेशन कर रहा था, योगा कर रहा था, तो वहाँ बस आप जाके दर्शन कर सकते थे। तो मैंने उसमें जाके सिर्फ दर्शन किया और पूजा भी किया। अभी बाहर आए हैं, पुराना मंदिर है, बड़ा भी मंदिर है। ये देखो मैं कुछ लुक से ये जो मेन गुंबद दिख रहा है ना, इसके अंदर आपने शायद ब्लॉग में ले लिया है ना, इन्होंने शूट कर लिया है, तो आप देख सकोगे कि अंदर जो भी भगवान का मंदिर था हमने दर्शन किया। बस चुपचाप प्रणाम करना था, पूजा करना था, वहाँ कोई बातें नहीं करनी थी। बीच में तुमको भी आना है हा? ऐसा नहीं था कि वहाँ सिर्फ पूजा करने वाले ही लोग थे, बाकी के लोग भी शाम के समय जो थोड़ा शांति कहते नहीं है, मेडिटेशन, शांत दिमाग, योगा करना, उसके लिए भी मंदिर में एक आंगन जैसा जगह था, वहाँ पे लोग टाइम स्पेंड कर रहे थे। वहीं पे मुझे लग रहा है इसको भूख लगी, क्या हुई पता नहीं, बट रोना स्टार्ट कर दी थी, भूख लगी। चलो अपनी गाड़ी की तरफ चलते हैं। वहाँ से मंदिर के अंदर से और पास से तो इसका अच्छा व्यू नहीं आया, हम बैक साइड से जा रहे थे। हाँ, बैक साइड से जा रहे थे अपनी गाड़ी के पास, तो ये देखिए मंदिर ऐसा दिख रहा था। बहुत ही सुंदर मंदिर है, अगर आप आओ यहाँ तो विजिट ज़रूर करना। श्री ओम कारेश्वर देवस्थान मंदिर का नाम है, शंकर जी का मंदिर है। ये देखो व्यू कुछ ऐसी है, लेकिन आपको पीछे नहीं जाना होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसका मेन गेट किधर से है। एक्चुअली इसका मेन गेट पीछे से है, लेकिन वही उसको मेन गेट कह रहे हैं। तीन चार रास्ते हैं, उधर से एंट्री बंद था, और उसके जस्ट बाजू में मूला मुठा रिवर रहा, मूला मुठा रिवर मंदिर के जस्ट बाजू में है, बगल में है। ये रही कचरा पानी जाता, ये रहा मंदिर, और इसके बाजू में ये मूला मुठा रिवर, लेकिन ये पानी काफ़ी गंदा है क्योंकि पूरे सिटी का इसमें गंदगी बहती है, कचरा ही बहता रहता है। शायद कोई काम भी चल रहा है, आई होप फ्यूचर में ये साफ सुथरा हो जाए। अंडर कंस्ट्रक्शन है, मेट्रो का काम चल रहा है यहाँ पे। हमारी गाड़ी किधर है? पूजा तो काफ़ी अच्छे से हो गई। हम लोग घूमने जाते हैं लेकिन फुल इन्जॉय करते हैं, मंदिर आके भी एक अलग फीलिंग आती है, थोड़ा शांत हो जाता है दिमाग, अच्छा लगता है, भक्ति वाला भावना जग जाता है। तो शाम के समय ही मैंने सोचा कि आज थोड़ा इनसे बोला कि पूजा करने का दिल। मैडम का आदत भी है, टाइम टू टाइम मंदिर विजिट करते रहते हैं। बहुत टाइम हो जाता है तो मुझे एक्चुअली मन करता है कि मैं मंदिर जाऊं, तो इनसे बोल रही थी, इन्होंने कहा चलो आज मैडम के कारण मैं मंदिर जाना शुरू कर दिया, नहीं तो मैं पहले कहां जाता था मंदिर। ये मूला मुठी रिवर का ये व्यू को इसके नीचे, तो उसके कंस्ट्रक्शन भी बगल में चल रहा है, कंस्ट्रक्शन मेट्रो बन रहा है ये, और नीचे रिवर है। मैंने आपको पहले भी बताया रिवर काफी गंदा है, मंदिर के बाजू में जो रिवर है वो काफी गंदा है, पूरा पुणे का पानी जाता है, म्युनिसिपैलिटी का पूरा कचरा, सिटी का कचरा जाता है। ये देखिए यहां भी ये पानी दिख रही है, और यहां पे लोगों का बैठने का अड्डा है शायद। हां, क्योंकि ऐसा सब बनाया गया है ना, लोग शाम को आके टाइम स्पेंड कर रहे हैं मंदिर के अंदर भी, मंदिर के बाहर भी। ये देखो यहां कुछ तो बन रहा है, बना था दुर्गा जी का पंडाल, शायद दुर्गा जी का पंडाल बना था दशहरे में ना इस मंदिर में। लेकिन आप आओगे ना तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी कि इतने सारे गेट हैं, एंट्री गेट किधर से है पता ही नहीं चलेगा। जैसे हम फर्स्ट टाइम विजिटर्स को कुछ पता ही नहीं चलेगा, हम मंदिर के तीनों दीवार पे चक्कर मार गए पर हर गेट बंद मिला। हमें पता चला कि जो गेट नहीं विजिट किया वो ऊपर से है, फोर्थ वाला, सबसे पीछे वाला गेट। हम मैप करके मंदिर तक तो पहुंच गए लेकिन किधर से जाना था ये पता ही नहीं था। फिर हम लोगों ने वहाँ पे जो लोग खड़े थे वहाँ उन लोगों से पूछा कि एंट्री गेट किधर से है, तो उन्होंने बताया कि जो पीछे वाला ये सब गेट है वो तो 12 महीने बंद रहता है एंट्री गेट पीछे से। और आपने देखा ना, एंट्री गेट ऐसा लग रहा था बैक गेट है, लेकिन अंदर से मंदिर काफी छोटा सा एंट्री गेट है। शांति मिली, भीड़ भाड़ नहीं मिला, पूजा आराम से हो गया, और बाबू ने भी तंग नहीं किया। बोलो क्या बोला है, ऐसे पैर दिखाते हैं सबको, व्यूअर्स को पैर नहीं दिखाते हैं। नहीं आज इसका नेल काट दिया मैंने, नेल काफी छोटा हो गया, बड़े हो गए थे उसके नाखून, चुभ रहे थे, जैसे पैर मार रही थी तो चुभ रहे थे नाखून। और ये दोनों साइड नदी, इस साइड नदी, और बीच में ये रोड, काफी
ट्रैफिक भी मिल रही है क्योंकि शाम का समय, लेकिन आज संडे है। हाँ, शाम के समय में ट्रैफिक मिलता ही मिलता है, हर कोई गाड़ी लेकर बिना मतलब का निकल जाता है। लेकिन मैं सोच रही थी आज संडे है जो ट्रैफिक नहीं मिलता, दिन के समय नहीं मिलता है, दिन के समय शाम को सब घूमने निकलते होंगे। क्या हुआ, नींद आ रही है? बोलो। अभी हम जस्ट घर आए हैं मंदिर से, पूजा हमने कर ली है, थोड़ा ही बहुत इनको भूख लग रही थी तो इन्होंने पूछा कुछ बाहर खाना है, मैंने बोला नहीं मैं तो डाइटिंग पे चल रही हूँ, आपने तो देखा ही है हर ब्लॉग में कितना डाइटिंग करती हूँ। तो फिर वो बोले घर देखते हैं जाके क्या, तेल मिक्स में रखती हूँ तो उसको मैं प्याज टमाटर डाल के इनको दे देती हूँ, वो काफ़ी पसंद आता है तो वही वो मैं भी थोड़ा सोच रही हूँ खा लूँ, क्योंकि मुझे भी थोड़ी बहुत तेल मिक्स को और ज़्यादा टेस्टी बना दिया जाता है घर पे। हाँ, उसमें तरह तरह के सलाद और क्या क्या टमाटर वगैरह करके मैं डाल देती हूँ। बाबू को भी बेल मिक्स खाना है लग रहा है, बाबू बहुत ज्यादा पता है, गाड़ी में इतना ज्यादा रो रही थी और यहाँ आने के बाद एक्चुअली उसका वो मैंने दूध पिलाया था इसको, इसने वोमिट कर दिया और पापा के टी शर्ट आते ही आते मेरे शोल्डर वाले पार्ट पे गोदी ले रखा था, इसने खूब सारा वोमिट कर दिया। बड़ी हो रही है, दिमाग में बहुत ज्यादा आ रहा है। चलो एक बार पापा से एक बार प्यार करके दिखाओ, प्यार करो, प्यार जल्दी बाबू करो 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 बाबू, इधर इधर, हेलो कैमरे में देखो। बाबू ने वॉमिट कर दिया पापा के ऊपर, गंदी बाबू पापा के ऊपर वॉमिट कर दिया बाबू ने, गंदी। कैसे डांटे पे आजकल, आजकल डांटे पे कैसे सिर नीचे कर ले रही है, क्योंकि वॉमिट डांट समझ में आने लगा तुमको, मतलब सिर नीचे हो गया, चलो ऊपर करो, वॉमिट नहीं होगा बाबू, नहीं करोगे ना वॉमिट। पापा ने ऐसे डांट दिया, बाबू ने सिर नीचे कर दिया था। हाँ। नहीं, बाबू को नहीं डांटेगा पापा, नहीं डांटेगा। हाँ। इसको इतनी समझ आ गई आजकल डांटे पे ऐसे सिर नीचे कर सिर नीचे करना होता है अभी को। अब पता चल गया कि बच्चे 5 महीने के होते हैं तो उनको समझ आने सारी चीजें समझ में आती है, सारी इमोशन समझ में आने लगते हैं। मैंने थोड़ा सा डांटा, अपना सिर नीचे करके बता रही है कि हाँ गलती हुई है और डांट खा रही है। अभी दांत बिल्कुल भूल चुकी है, मुझे लग रहा है इसके दांत दांत भी निकल रहे हैं क्योंकि कुछ चीजों को ना बाइट करने की कोशिश करती है, हाथी खाते रहती है। चलो कुछ नाश्ता कर लेते हैं, चाय पी लेते हैं, चाय पी के मुझे बहुत सारा काम है, मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी बहुत बात कर लूं तो मैंने सोचा बात भी किया और अब देखते हैं। मैडम का पूजा भी अच्छा से हो गया, बहुत अच्छे से पूजा हो गया, मंदिर जाके बहुत अच्छा लगा, बहुत बड़ा मंदिर था एक्चुअली, बहुत शांति थी वहाँ, बहुत शांति और अच्छा लग रहा था, आपने देखा भी लोग मेडिटेशन कर रहे थे, योगा कर रहे थे, वहाँ काफी अच्छा लग रहा था। चलो सोने चलो, टाइम हो गया, बाबू को चलो, बाबू जाएगा सोने, झूले में डाल देना, झूले में डालो, उसको नींद आ रही है ना, सोना है झूले में, सोना है, चलो आ जाओ, चलो आ जाओ आ जाओ, मंदिर जाके बाबू भी थक गया। हाँ, बाबू को कुछ इस तरीके से सुलाया जाता है इसकी यही आदत पड़ गई है, इसको एक्चुअली ऐसे ऐसे नहीं चाहिए, इसको स्प्रिंग पे हट, बदमाश बदमाश। हंसी क्यों आ रही है, क्यों आ रही है हंसी, बताओ झूले पे चढ़ के, चलो मैं चेंज कर लेती हूँ, थकी नहीं है क्योंकि आज बहुत नज़दीक गए थे, अभी इनके लिए भेल बनाना है, भेल बना देते हैं। टमाटर ज़्यादा नहीं खाते हो ना, थोड़ा ही रखूँ ना, देखो कुछ भी होगा, प्याज काट लेती हूँ, थोड़ा टमाटर काट लेती हूँ, ये देखो लैम्प स्क्वीज़र यहीं रह गया है, सुबह का आटा पड़ा हुआ है, मैंने सुबह ही आटा गूँथ लिया था तो बस मुझे रोटी बनाना है और एक कोई सब्जी बना लूँगी, देखती हूँ फ्रिज में क्या क्या पड़ा है, आज आप बनाओ, मैं खाती हूँ।
मैं रोज़ आपको बना के देती हूँ, कम से कम एक दिन आप बना दो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करना, ताकि सबसे पहले हमारी इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुँचे, ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग शूट कर सकें और मैं अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूँ। नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।